नमस्कार बच्चों, आज का हमारा पाठ है कक्षा दसवीं कृतिका भाग दो से जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक दास्तां है। प्रस्तुत लेख से यह शिक्षा मिलती है कि हम आज़ाद तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम बने बैठे हैं। अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों की वजह से भारतीयों में उनके खिलाफ रोष था। यही वजह है कि प्रस्तुत लेख में ब्रिटिश शासन के प्रति तिरस्कार की भावना प्रकट करने के लिए लेखक ने जॉर्ज पंचम की नाक को ही काट दिया है। लेखक कमलेश्वर ने इस लेख के माध्यम से रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने पर भारतीय शासन व्यवस्था की शर्मनाक हरकत और परतंत्र मानसिकता का वर्णन किया है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। देश के तमाम अखबार इस शाही दौरे की खबरों से भरा जाने लगा था। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनसे पहले ही दौरा करने वाले थे। फोटोग्राफरों की फौज तैयार थी। रानी की जन्मपत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों और कुत्तों की तस्वीरें प्रमुखता से छापी जा रही थी। दिल्ली में शाही सवारी के आगमन की तैयारी चरम पर थी। सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें साफ हो चुकी थी। इमारतों को खूब सजाया और संवारा गया था। फिर अचानक भारतीय दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक ही नहीं थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किसी वक्त आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे। अखबारों के पन्ने रंगे गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। इसके लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए थे। पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक गायब हो गई थी। अब इंग्लैंड की महारानी भारत के दौरे पर आ रही थी और जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक न हो तो परेशानी का विषय तो था ही। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी इस बात से सहमत थे कि मूर्ति की नाक तो होनी ही चाहिए। यदि वह नाक न लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी। उच्च स्तर पर मशवरे के बाद तय किया गया कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, पर उसे पता होना चाहिए कि मूर्ति कहाँ बनी थी, कब बनी थी और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। पुरातत्व विभाग की फाइलों को खूब खंगाला गया और वहाँ से भी कुछ पता नहीं चला। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वह देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढ कर लाएगा जैसा मूर्ति में लगा था। मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया, परंतु उसे वैसा पत्थर नहीं मिला। फिर उसने पत्थर को विदेशी बता दिया। पुनः मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश में नेताओं की अनेक मूर्तियां लगी हैं, यदि उनमें से किसी एक की नाक लाट की मूर्ति पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगा। सभापति ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की सहमति से ऐसा करने की अनुमति दे दी। जॉर्ज पंचम की नाक का माप उनके पास था। मूर्तिकार ने भारत के उस हर छोटे बड़े शहरों का भ्रमण किया जहाँ जहाँ भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियाँ स्थापित थी। दिल्ली से बम्बई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर मद्रास, मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। उसने गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय तथा भगत सिंह की लाटों को देखा परखा, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, पर उसे जॉर्ज पंचम की नाक का सही माप कहीं नहीं मिला, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक से सबकी नाक बड़ी निकली। यानी हमारे देश के नेताओं की जो नाक यानी मान सम्मान, जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं बढ़कर है।
आखिरकार मूर्तिकार ने अपनी ऊंची मानसिकता पेश करते हुए हुक्मरानों को कहा कि देश की 40 करोड़ जनता में से किसी एक की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। यह सुनकर सभापति परेशान हुआ, पर मूर्तिकार को इस घटिया और शर्मनाक हरकत की इजाज़त दे दी गई। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग रही है। कुछ दिनों के पश्चात अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, अखबार में किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था, नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वो भी बुध के लिए।